नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ घुटने के एक महत्वपूर्ण लिगामेंट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL के बारे में। हमारा घुटना दो हड्डियों से मिलकर बना हुआ है, एक टीबिया और एक फीमर। नीचे की हड्डी को हम टीबिया बोन कहते हैं, ऊपर की हड्डी को हम फीमर कहते हैं और इस पर घुटने की एक पाली होती है जिसे हम पटेला कहते हैं। अब घुटने की टीबिया और फीमर दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए चार लिगामेंट्स होते हैं, एक सामने की तरफ ACL लिगामेंट, एक पीछे की तरफ PCL लिगामेंट और दोनों साइड में MCL और LCL लिगामेंट। घुटने के चारों लिगामेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इन्हीं चारों लिगामेंट की सहायता से हम दौड़ते हैं, भागते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बाइक चलाते हैं, सब एक्टिविटीज़ करते हैं। एक तरह से ये दोनों हड्डियों को आपस में कनेक्शन का काम करते हैं। अब क्या होता है कि अगर हम तेज भाग रहे हैं, अगर हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, अगर हम ऊंची नीची ज़मीन पर चल रहे हैं, तो ऐसे में ACL, PCL, MCL, LCL चारों लिगामेंट मिलकर एक प्रकार से कनेक्शन का काम करते हैं और इन लिगामेंट्स का स्वस्थ होना हमारे घुटने के नॉर्मल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ACL लिगामेंट की चोट किस प्रकार से लग जाती है। ACL लिगामेंट की चोट हमारे को लग सकती है बाइक एक्सीडेंट्स में, स्पोर्ट्स खेलते वक्त, स्पेशली जैसे कबड्डी, क्रिकेट, दौड़, तेज भागना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इन सब में इस प्रकार की चोट लगने के चांसेस रहते हैं। इस चोट के लगते ही पेशेंट को घुटने में तेज दर्द और सूजन होती है। आइसिंग और दवाइयां लेने से कुछ दिनों में सूजन समाप्त हो जाती है और पेशेंट को लगता है कि वो एकदम सामान्य हो गया है, लेकिन जब भी वह भागने की कोशिश करता है या फिर सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे घुटने पर पूरा कंट्रोल नहीं है और उसे गिरने का डर लगता है। ऐसी स्थिति में जब वह ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास दिखाने जाता है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसे चेकअप करके एक्सरे करने की सलाह देते हैं। ज़्यादातर एक्सरेज पे कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती और हमें ऐसा लगता है कि घुटना एकदम नॉर्मल है। कई बार इस वजह से ACL लिगामेंट की चोट मिस भी हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट को दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी के बाद भी कंटिन्यूसली डिफ़िकल्टी होती रहती है, वो तेज़ नहीं भाग पाता या भागता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे में डॉक्टर उसे MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। दोस्तों, MRI किसी अच्छे सेंटर से ही कराने में फ़ायदा रहता है क्योंकि कई बार ऐसे अगर हम अच्छी क्वालिटी के MRI नहीं कराते तो उस पर भी ये चोट को मिस किया जा सकता है। MRI पर जब आपके डॉक्टर देखते हैं कि इसमें ACL टीयर है तो ACL की जो MRI की रिपोर्टिंग होती है वो कई तरीके की होती है, यानी उसमें ACL ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस प्रकार से लिखा रहता है। दोस्तों, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का मतलब है कि आपका जो ACL है वह पूर्ण तरह से नहीं टूटा है बल्कि उसमें कुछ फाइबर्स इंटैक्ट है, लेकिन अगर MRI पर ग्रेड 3 टीयर है तो इसका मतलब है कि ACL पूर्ण रूप से टूट चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ACL टूट जाने से आपके घुटने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ACL टूट जाने से आपके घुटने का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट खत्म हो जाता है। ऐसे में आप तेज़ नहीं भाग सकते हैं। अगर आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपको लगता है कि आपको पहले नॉर्मल पैर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ACL से टूटा हुआ पैर रखना पड़ेगा, तो इस प्रकार से दिक्कतें आती हैं। अगर आप लगातार ACL से टूटे हुए लिगामेंट वाले पैर पे जोर डालते रहते हैं तो कई बार घुटने के जो शॉक एब्जॉर्बर स्ट्रक्चर्स हैं, मेनिस्कस, उनके फटने का भी चांस बना रहता है। तो वो लिगामेंट्स के साथ साथ घुटने की आर्टिकुलर कार्टिलेज और मेनिस्कस भी फट सकती है। अब जब आप डॉक्टर को अपना MRI दिखाते हैं और उस पर पता चल जाता है कि घुटने का ACL टीयर हो चुका है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। काफ़ी सारे मरीज घुटने के ऑपरेशन के नाम से घबरा जाते हैं क्योंकि लोगों में ये भ्रांतियाँ रहती है कि अगर यंग एज में ही घुटने का ऑपरेशन हो जाएगा तो फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है या फिर घुटने के मूवमेंट जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ACL लिगामेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है। ये आर्थ्रोस्कोपी टेक्निक से किया जाता है। आर्थ्रोस्कोपी एक बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक का फ़ायदा यह होता है कि इसमें कैमरे के माध्यम से ऑपरेशन किया जाता है, बहुत ही छोटा चीरा लगता है और इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चीरफाड़ी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। हार्डली एक या दो स्टिचेज आपके घुटने में आते हैं। ऑपरेशन 1 से 2 घंटे का होता है। ऑपरेशन के दौरान मरीज जागते हुए अपना घुटने का ऑपरेशन होता हुआ TV पे देख भी सकता है। ऑपरेशन के दौरान हम क्या करते हैं वो बात मैं आपको संक्षेप में बताऊँगा कि ऑपरेशन के दौरान हम घुटने में जो लिगामेंट है उसकी जगह बॉडी का ही कोई और लिगामेंट पैर से लेते हैं। उस लिगामेंट को हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स की सहायता से हम ACL लिगामेंट का पुनर्निर्माण करते हैं। अच्छा, घुटने में हम जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हार्वेस्ट करते हैं इससे घुटने के किसी भी तरह के कोई फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो इससे आप पूर्णतः निष्फिक्र रहें कि घुटने का लिगामेंट लिया है तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत आ सकती है। इस लिगामेंट को फिक्स करने के लिए हम ऊपर और नीचे स्क्रूज़ की सहायता लेते हैं। ये स्क्रूज़ कई तरीके के, कई क्वालिटीज़ में अवेलेबल रहते हैं।
फॉर एग्जांपल आप टाइटेनियम स्क्रूज यूज़ कर सकते हैं। टाइटेनियम स्क्रूज़ का एडवांटेज ये होता है कि वो कॉस्ट में थोड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, लेकिन उनका डिसएडवांटेज ये होता है कि क्योंकि वो मेटल के बने हुए होते हैं तो भविष्य में उन्हें निकालने की संभावना बनी रहती है। आजकल काफ़ी लेटेस्ट बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज़ अवेलेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज़ का एडवांटेज ये है कि उन्हें दोबारा नहीं निकालना पड़ता और अपना काम समाप्त होने के पश्चात साल भर के बाद उन लिगामेंट्स को ऑटोमेटिकली वे या तो डिजॉल्व हो जाते हैं, और अब एक एच ए कोटेड स्क्रूज़ अवेलेबल हैं जो कि दोबारा कैल्शियम बन जाते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कशन करके अपने लिए बजट के हिसाब से और अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से स्क्रूज़ का चुनाव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन के बारे में। ऑपरेशन के अगले दिन से ही हम वॉकर के द्वारा मरीज का चलना फिरना प्रारंभ करा देते हैं। मरीज चल सकता है, पैर पे कई बार वजन देना अलाउड कर देते हैं। 15 दिन बाद टांके निकाल दिए जाते हैं और कुछ साधारण सी एक्सरसाइज बताई जाती हैं जो मरीज आसानी से घर पे कर सकता है। अगर आपके दर्द ज़्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद भी ले सकते हैं। इन एक्सरसाइज के बाद 15 से महीने भर के अंदर ही मरीज सामान्य रूप से ज़िंदगी जीना प्रारंभ कर देता है। पैर पे हम घुटने पे अचानक से जोड़ ना पड़ जाए, इसलिए सोते वक्त और चलते वक्त लॉन्ग नी ब्रेस लगाने की सलाह देते हैं। और ये विभिन्न डॉक्टर्स की प्रोटोकॉल डिफरेंट हो सकती है, पर मेरे तौर मैं अपने मरीजों को करीब 6 हफ्ते के लिए लॉन्ग नी ब्रेस लगाने की सलाह देता हूँ। एक बार ब्रेस हटाने के बाद जिस प्रकार से एक सामान्य इंसान है, वैसे ही हम जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। दौड़ना भागना हम 8 से 9 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरे पास एथलीट्स आते हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर कितने दिनों बाद मैं दोबारा से रेस लगा सकता हूँ या लॉन्ग जंप खेल सकता हूँ, तो मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि करीब 9 महीने से साल भर बाद वो अपने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में लौट सकते हैं। दोस्तों, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या फिजियोथेरेपी के द्वारा ACL के टीयर का इलाज किया जा सकता है, तो मेरा उत्तर है नहीं। फिजियोथेरेपी के द्वारा हम मसल्स की स्ट्रेंथनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन किसी लिगामेंट को दोबारा पहले जैसा नहीं बना सकते हैं। यदि आप 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर बहुत लो डिमांड आपकी एक्टिविटीज़ है, ज़्यादातर आपका काम बैठना ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप कंजर्वेटिव ACL का ट्रीटमेंट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यंगस्टर्स के लिए मेरी सलाह ये रहती है कि आप ACL का टाइमली सर्जरीज करवा लें, क्योंकि ACL के लिगामेंट को अगर आप ऑपरेट नहीं कराते हैं और डिलेड करते हैं, तो ऐसे में नुकसान ये होता है कि आपके घुटने में आर्थराइटिस हो सकती है और भविष्य में आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो यंग लोगों के लिए मेरी सलाह यही है कि आप ACL लिगामेंट की सर्जरी का चुनाव करें। यदि आपकी आयु 45 वर्ष 50 वर्ष से ज़्यादा है, तो ऐसे में आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी अगर आपका ACL लिगामेंट के संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको आपके ACL संबंधित सवालों का जवाब दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।